हेलो गाइस, मेरा नाम है जसराज टाक। आप देख रहे हैं जेके स्टंट एकेडमी चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको कि ये जो नॉर्मल बाइक है स्टेबलेक्स, इस पे आप स्टंट कैसे करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मैंने इस वीडियो पे 10K लाइक का टारगेट रखा है, तो आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मेरे 10K लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मैं यूट्यूब पे पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस पे अगर 10K लाइक हो जाएंगे तो फिर मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा आपको। आई होप कि आपको मेरा वीडियो ही अच्छा लगे, तो आप अगर मेरे से अगर कुछ भी सीखो तो मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। ये जो नॉर्मल बाइक है इस पे आपको मैं पहला स्टंट ये सिखाऊंगा कि आगे से उठ के और आगे जाके नीचे गिरती, वो स्टंट आपको मैं आज सिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बाइक लेनी, उसका सेंस सेट नया होना चाहिए। अगर पुराना सेंस सेट होगा तो आप उसमें स्टंट नहीं कर पाओगे। तो सेंस सेट नया होना चाहिए और क्लच एकदम नॉर्मल तरीके से यूज नहीं होना चाहिए। क्लच भी एकदम थोड़ा टाइट होना चाहिए और ब्रेक, आगे वाले ब्रेक थोड़े बहुत टाइट होना चाहिए। ज़्यादा टाइट होंगे तो आपको गिरने का चांस रहेगा, इसलिए आपको ब्रेक को नॉर्मल मतलब 40% के आसपास सेट रखना है और पीछे वाला ब्रेक जैसे है वैसे ही रखना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्लच को पकड़ के आपको जैसे डेली स्टार्ट करते वैसे आपको स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करके फिर आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए पास में आ जाइए। इसमें क्या करना है, फर्स्ट गियर में ले लेना है आपको। फर्स्ट गियर में लेने के बाद ऐसे नॉर्मल, पहले शुरुआत में आप सीखोगे तब पैर दोनों नीचे रखने पड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में पैर ऊपर रख के आपको उठती नहीं। फिर पहले आप ऐसे नॉर्मल क्लच छोड़ेंगे और अगले ब्रेक पे थोड़ा सा टच कर देंगे, नॉर्मल ब्रेक ऐसे रख के अगला ब्रेक नॉर्मल टच करके क्लच दोनों उंगलियों से पकड़ना है क्लच और दो एक उंगली से ब्रेक को प्रेस करना है। धीरे धीरे आप क्लच छोड़ के इसको एक्सलेटर को तान दोगे, तान के फिर आप आगे से ऐसे हैंडल उठाना है। हैंडल उठा के आपको फिर ये का, तो आपने देख लिया कि दोनों पैर नीचे रख के आगे से ऐसे धीरे धीरे क्लच छोड़ के और हैंडल को ऊपर तान के धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। तो अब आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ, अगर ये आप अच्छे से कर पाओगे तो दूसरा तरीका भी आप अच्छे से कर पाओगे। दूसरा तरीका ये है कि एक इस ब्रेक वाला पैर ऊपर रखना और एक पैर नीचे रखना है। तो शुरुआत में सीखोगे जब पहले दो पैर नीचे रख के स्टंट करना होगा आपको, फिर एक पैर ऊपर रख के करना होगा, फिर दोनों पैर ऊपर रख के करना होगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो आपको मैं एक पैर ऊपर रख के एक पैर नीचे रख के और स्टंट सिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक गेंद डाल देता हूँ मैं और एक पैर ऊपर रख देता हूँ, एक नीचे रखता हूँ, वही पैर कलर छोड़ के ऊपर खींचते हुए और आप मैं आपको अच्छी तरीके से करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ी रॉड के बीच सेंटर में ले लूंगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। अब मैं दोनों पैर नीचे रख के करूँगा पहले, फिर एक पैर ऊपर रख के फिर वैसे, पहले एक दो दोनों पैर नीचे रख के कर लूँगा। पैर ऊपर रख के फिर वो स्टंट करूंगा। तो पहले आपको क्या करना है, दोनों पैर ऊपर रखने के लिए पहले आपको नॉर्मल जो इसका स्पीड है वो बना नहीं रखनी है, एक नंबर डाल के ऐसे नॉर्मल स्पीड बना के यूँ आगे वाला ब्रेक प्रेस करते हुए ब्रेक को थोड़ा छोड़ना है, क्या होता है जो गोल गोल राउंड से क्या अभी जो इंस्टाग्राम से रील्स है वो उससे ज्यादा वायरल होती है। तो आपको ये सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये नॉर्मल स्टंट है आप सीख जाओगे। ये पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको फिर आपको फर्स्ट गियर में डाल के फिर इस बाइक को ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के ये एक्सलेट ब्रेक को पूरा डालना है, ऐसे पूरा बांध के आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा ऐसे। तो ये बाइक है इसको थोड़ा सा ऐसे झुका के फिर कल छोड़ना है ऐसे नॉर्मल। अब मैं आपको जो तीसरे नंबर का है स्टंट वो सिखाऊंगा। इसमें क्या होगा कि आगे से बाइक आएगी फिर एकदम
पीछे वाला ब्रेक मार के जो टर्न आता है वो स्टंट सिखाऊंगा अभी। आप देख करिए, अब मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। क्या करना होगा आपको, नॉर्मल एक नंबर में गियर डाल के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के सेकंड नंबर गियर डालना होगा। सेकंड नंबर गियर डाल के आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा के 30 या 40 की स्पीड बढ़ा के फिर उसको क्रश पकड़ के फिर पीछे वाला ब्रेक नॉर्मल दबाना और हैंडल को ऐसे तिरछा करना। हैंडल को आप ऐसे तिरछा करोगे उससे क्या होगा, ऐसे स्लो स्लो आगे खींच सकते रहेगा, फिर आपको आपको ज्यादा ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ज्यादा ब्रेक लगाओगे तो आपको गिरने का चांस रहेगा। तो आपको नॉर्मल ब्रेक लगाने और नॉर्मल स्पीड, अभी जो शुरुआत से आप सीखोगे उसमें आपको नॉर्मल ब्रेक लगाने, क्योंकि आप ज्यादा ब्रेक लगाओगे तो आपको गिरने का चांस रहेगा। तो ये मिट्टी का टीला आप देख रहे हो, इसके ऊपर मैं आपको चढ़ा के दिखाऊंगा। तो इस पे आप कैसे चढ़ाओगे, इसमें आप पहले से तीसरे नंबर गियर तक पहुंचे, पहले गियर में एक्सेलेटर पूरा मार के फिर दूसरे एक्सेलेटर डाल के फिर तीसरे, तीसरे में आप 70 की स्पीड से घुमाओगे और ऊपर जाके थोड़ी दबने लगे तो दो नंबर डाल देना। मैं आपको चला एक बार डाल के दिखाता हूँ। पहले गियर में डाला और एक्सेलेटर पूरा मारा और आपको मैं चौथे नंबर का स्टंट सिखाऊंगा। उसमें क्या रहेगा प्रोसीजर की बाइक आएगी फिर अगला ब्रेक मार के पीछे से उठेगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो नॉर्मल ब्रेक है ड्रम ब्रेक, इससे तो ज्यादा उठेगी नहीं क्योंकि इसको फिर ये हीट है, हीट की मदद लेनी पड़ेगी। जो डिस्क ब्रेक होती है वो तो गाड़ी उठ जाती है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको हीट की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं हीट को रखूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे होती है। और जो स्पोर्ट्स बाइक आती है उसके डिस्क ब्रेक होते हैं तो उसकी वजह से क्या है उठती है, इसका ड्रम ब्रेक है तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा मतलब वजन भी डालना पड़ता है आगे। इसमें क्या होता है कि आपको जब एक से दो नंबर गियर में डाल के जो पत्थर है उसके ऊपर चढ़ जाती है, आपको एकदम आगे झुक के और हैंडल पे पूरा वजन डाल के ब्रेक पूरे प्रेस करनी है, उससे क्या होगा आपका जो स्टंट होगा वो अच्छी तरीके से